नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, जो आज मैं आपको जो है वॉक थ्रू दिखाने वाला हूं, मात्र 30x25 का भी अगर आपके पास जगह है, यहां तो खैर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह लिया हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर आप 25x30 में भी चाहते हैं तो 2 BHK का शानदार प्लान आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे हमारी एंट्री जो है वो, ये तो स्टेयर रूम दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्टेयर है, ठीक है। और दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हॉल है, ठीक है। आपका एंट्री सीधे हॉल में होगी, ठीक है। ये हो गया इस घर का हॉल। आपको हॉल को दोस्तों इस तरीके से डिजाइन करना है कि किसी न किसी एक दीवार को आपको दोस्तों टीवी यूनिट के लिए बिल्कुल रेडी रखना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए हमेशा जो टीवी यूनिट हो दोस्तों वो इस तरीके से हो कि आप टीवी देखते देखते बाहर से आने वाले व्यक्ति को पे भी नज़र रख सके। तो ये चीज़ें आप दोस्तों हमेशा ध्यान रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉल के बाद में, और ख़ास बात ये है दोस्तों कि इतना कम जगह में एक पूजा रूम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं इस वाले कॉर्नर मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईशान कोण में बिल्कुल जो है वो ये पूजा रूम है। ये वास्तु के अनुसार बिल्कुल 100% सही माना जाता है पूजा रूम के लिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, एक पूजा रूम है, वेंटिलेशन के लिए खिड़की दिया हुआ है। हर चीज़ जो है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो पूजा रूम हो, हॉल हो, किचन हो, या फिर दोस्तों बाथरूम हो या फिर बेडरूम हो। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिन वगैरह लगवा सकते हैं ताकि जो पूजा रूम का काम है यहीं से किया जा सके। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये पूरा का पूरा हॉल है, ये है अटैच बाथरूम का, कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है दोस्तों, कॉमन टॉयलेट का बाथरूम दिया गया है। लेकिन ख़ास बात ये है दोस्तों कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही सीटीज़ में लगाए जाने की योजना है, तो आप ऑप्शन हमेशा दोस्तों खुला रखिए। तो ये हो गया कॉमन टॉयलेट का बाथरूम, ठीक है। वेंटिलेशन का प्रॉपर यहाँ पर ख्याल रखा गया है। अब दोस्तों हॉल से ही हमारी एंट्री उधर से हुई थी, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक किचन बनाया जा रहा है। तो सारे चीज़ों को एडजस्ट किया गया बहुत ही कम जगह में सुंदर तरीके से। तो दोस्तों ये किचन है, बहुत स्पेसियस तो नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों डिसेंट साइज का ये किचन आपके लिए बनाया जा सकता है। और दोस्तों एक यहाँ पे स्लैब भी निकाला गया है। आप स्लैब निकालते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा किचन का एंट्री है दोस्तों उसके अपोजिट साइड वाले दीवार पे ये स्लैब नहीं होना चाहिए, वरना दोस्तों हॉल से सीधा लुक जो है वो थोड़ा सा ख़राब होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, चूँकि ये 2 BHK का प्लान है, पहले मैं आपको इस वाले बेडरूम में लिए चलता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं एक बेडरूम बनाया जा रहा है, ये बेडरूम है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि यहाँ भी जो एंट्री गेट है उसके ऊपर वाले वॉल पे देखेंगे तो यहाँ पे स्लैब बनाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों बालकनी ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनवा सकते हैं, अगर आपके पास जगह है तो आप बिल्कुल बालकनी का ऑप्शन रख सकते हैं। ये फिर से हमारी एंट्री हॉल में हो गई, वो पूजा रूम मैंने आपको दिखा दिया था, ये है बाथरूम है, और ये एक बेडरूम था, ये किचन है, और ये दोस्तों अगेन आपके लिए मैं यहाँ पर एक दूसरा बेडरूम है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सही तरीके से प्लान किया हुआ 2 BHK का प्लान है। और इसमें भी दोस्तों ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आपको जो है वो बालकनी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए 2 BHK प्लान कर सकते हैं, और इसी तरीके के आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।